मैंने कल आपको 1857 के रिवोल्ट के बाद वाला फेज बताया, जो कि 1858 टू 1885 यहां तक था। इसमें मैंने आपको कुछ एसोसिएशन बताए थे, कौन कौन से बने थे, किस किसके द्वारा बनाए गए थे, कब कब बने थे, कौन सा फेज चल रहा था, क्या इस टाइम पे हो रहा था, अंग्रेजों की नीतियां क्या थी, इस सब पे मैं थोड़ा सा आपको बताया था। अच्छा, एक चीज और, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं आपको बताता हूं, मैं पूरा आपको बिपिन चंद्र फोकस रख, मेरा बेस वही है, वही रखता हूं मैं, है ना। आप लोग भी अगर पढ़ें मॉडर्न हिस्ट्री तो उसी से पढ़ें। ओरिजिनल बुक इंग्लिश मेरे पास, मैं आपको दिखाने के लिए लाया था ये बुक, बेस्ट मॉडर्न के लिए, है ना। अगर आपके प्री में कुछ ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आते हैं, है ना, बेस्ट बुक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, जैसे कि मैं कुछ कुछ विचारधाराएं ऐसी होती हैं जिनमें कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिनमें किसी किताब में अगर कुछ, जैसे ए ओ ह्यूम को लेके है, ए ओ ह्यूम को आज मैं बताऊंगा कुछ उनके बारे में। आपने सुना होगा कि ए ओ ह्यूम के द्वारा जैसे कांग्रेस का गठन किया गया, है ना। बट अगर मैं बोलूं कि कांग्रेस का गठन किया तो गया ए ओ ह्यूम के द्वारा, लेकिन ब्रिटिश सरकार के आदेश पे किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा आदेश दिया था ए ओ ह्यूम को कि आप एक ऐसी संस्था का गठन करें, ऐसी संस्था का गठन करें जिससे जितने भी अब इस टाइम पे लीडर जाग रहे हैं, राष्ट्रवाद की जिनमें भी भावना आ रही है, राष्ट्रवादी नेता जितने भी पनप रहे हैं, ठीक है, उन लोगों का ध्यान केंद्रित वहां हो जाए, वो उसमें बिजी हो जाए और वहीं तक उनका बस रह जाए। होता है ना कि उनकी दौड़ बस वहीं तक रहे, वो जो भी करें इस एसोसिएशन में करें, इसलिए कांग्रेस का गठन। उनके द्वारा ये बताया जाता है कि ए ओ ह्यूम हमने इसलिए कराया। बट बिपिन चंद्र क्या बोलते हैं, बिपिन चंद्र बोलते हैं कि ए ओ ह्यूम के सिर्फ वही नहीं, सिर्फ अंग्रेजों के कहने पे ही कांग्रेस का गठन नहीं किया था ए ओ ह्यूम ने, अंग्रेजों के कहने से अगर गठन करते तो राष्ट्रवादी नेताओं के साथ ना लगते, राष्ट्रवादी नेताओं के साथ ना लग के एक नेशनलिज्म की भावना जो जागृत की गई भारतीयों में वो ना करते, उनके द्वारा भी की गई ना, तो वो ना करते वैसा कुछ। ए ओ ह्यूम उन्होंने बताया कि एक तो जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उनसे प्रेम करते थे, मतलब उनकी भावनाएं जितनी भी थी उनसे वो जुड़े हुए थे, जो बिपिन चंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा जहां पे भी कॉन्ट्रडिक्शन होगा आप इस बुक को फॉलो करोगे, बाकी कहीं और से जो भी तथ्य आप बटोरते हैं, कहीं और से, नेट से या कहीं से भी, है ना, सबसे ऊपर आप इसे रखना, बिपिन चंद्र को, ठीक है, अच्छी किताब है। अच्छा जी, अब आज हमें कांग्रेस का गठन करवाना था, ठीक है, तो कांग्रेस का गठन करवाते हैं, पहली बात। दूसरी, मुझे चीज बताओ, क्या मैंने आपको चीज बताई थी कि 1857 के बाद, 1857 संग्राम के बाद, इसके रिवोल्ट के बाद या सिपाही म्यूटिनी के बाद, ये जो था यहां के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियां बदल दी थी, मतलब अंग्रेजों ने अपनी नीतियां ऐसे बदल दी थी, सारी शासनकारी नीतियां जितनी थी वो सब उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ गया, जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जिसने थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में वो ऐसे ऐसे रिफॉर्म लेके आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी से तो पूरा पूरा स्थानांतरण हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा पूरा स्थानांतरित कर दिया गया था,
क्राउन आ गया था, ठीक है, अब तो ताज का यहां पे रूल चल रहा था, ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन यहां से पुट अप कर सकते हैं, क्या सिर्फ 1857 का विद्रोह ही एक प्रमुख कारण था उन्हें नीतियां बदलने के लिए? क्या 1857 विद्रोह ही एक प्रमुख कारण था अंग्रेजों की शासनकारी नीतियां बदलने के लिए? क्या ऐसा था कुछ? इसके ऊपर आप थोड़ा सा मुझे बताओ कुछ, जरा सा कुछ भी है जो आपको बताओ, जैसे कुछ नीतियां बदली हो या जो भी शासनकारी नीतियां थी उनमें कुछ बदलाव आए हों ऐसे, या फिर 1857 रिवोल्ट का इतना ज्यादा असर पड़ा? हाँ मैं मानता हूं ज्यादा तो असर इसी का पड़ा भाई, अब क्राउन को पता चल गया था, उनको पता चल गया था कि इस टाइम पे इतना बड़ा विद्रोह अगर हो गया तो हमको देश भी छोड़ना पड़ सकता है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई नीतियां बदलते हैं हम अपनी, ऐसा ना हो कि, क्योंकि यहां से फायदा तो बहुत हो रहा था उन्हें, हमसे फायदा तो हो रहा था ना, तभी तो वो हमारे ऊपर राज करना चाह रहे थे ज्यादा ज्यादा, नहीं तो इतने बड़े बड़े विद्रोह हो रहे थे, मार काट भी मच रही थी, है ना, मंगल पांडे ने ह्यूज बुस्तन का उनका भी कत्ल कर दिया था, है ना, और भी ऑफिसर्स थे जो विद्रोह में थे, बाकी और भी कुछ कारण जिनके वजह से उन्हें अपनी नीतियां बदलनी पड़ी, शासनकारी नीतियां बदलनी पड़ी, कुछ ऐसा कुछ बताओ मुझे। मैं भारत में ही नहीं पूछ रहा हूं, देखो जो भी हम पे अगर रूल कर रहा है ना, मैं पूरे आपको विश्व की इस टाइम पे कंडीशन पूछ रहा हूं, विश्व में कुछ ऐसे कुछ चीजें रही होंगी जिनके कारण ऐसा पुट ऑन हुआ कि उन्हें फिर अपनी नीतियां बदलनी पड़ी उसकी वजह से, कुछ ऐसा? अच्छा हाँ बिल्कुल, और देखो वो नहीं चाह रहे थे कि अमेरिका की तरह यहां से भी पकड़ ढीली हो जाए हमारी, एक तो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा कॉज था नीतियां बदलने के लिए, जो पूरे यूरोप में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला वो बहुत बड़ा कारण था एक कि उनको नीतियां बदलनी पड़ी, इसके बाद अपनी शासनकारी नीतियां बदलनी पड़ी, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी देश होगा वो अपने अंडर ऐसे नेता चाहेगा जो टाइम टाइम पे उसके भी काम आए, मतलब जो भी रूल कर रहा है इस टाइम पे, जो भी हमारे ऊपर रूल कर रहा है, तो रूल करने वाले नेता या फिर जिसके ऊपर भी क्राउन है वो ऐसा चाहेगा कि जितने भी नीचे हमारी एसोसिएशन हैं वो मिलजुल के हमारे साथ भी काम करें, मैं आपको जितने भी बीच वाली चीजें बताऊंगा एक लेक्चर का अलग ले लेंगे जब वॉइस वाइज पढ़ेंगे कंपनी के दिन और सब कुछ। बाकी अभी आप 1885 ये पढ़ो, इस पे हेडिंग डालोगे आप, ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये डाल के, या फिर मॉडरेट फेज, ये भी जाना जाता है ये, और इसमें आप 1885 से हम इसे तोड़ रहे हैं, जैसे एक पार्ट में हमने 1858 से 1885 पढ़ा, पार्ट टू ये, फिर 1906 से लेके 1918 तक पढ़ेंगे, फिर आगे। अरे क्या हो गया भाई तुझे, इस पेज को
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 किसके द्वारा? ना ना, पहले पदाधिकारी कौन थे? यही तो तुम्हें गड़बड़ी है। होम रूल नहीं, देखो अध्यक्ष, पहले पहले अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र ताला लगा दे, व्योमकेश चंद्र बैनर्जी। प्लेस स्थान मुंबई, बंबई बोलते हैं जिसे पहले। हाँ जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी किसकी? व्योमकेश, बख्शी नहीं देखी, व्योमकेश चंद्र ना ना, अध्यक्ष की इंग्लिश, अध्यक्ष को हम बहुत सारे तरीकों से जान सकते हैं, पता है आपको? अध्यक्ष को बहुत सारे तरीकों से जान सकते हैं, है ना? अब सर ने प्रेसिडेंट बता दिया, फिर राष्ट्रपति को क्या बोलेंगे? नाम का क्या स्पेसिफिक वर्ड बनाएंगे? कहां पे प्लेस? मुंबई। और मुंबई में कौन सा प्लेस था? इसकी कोई कहीं पे किताब में तो शायद लिखा नहीं हुआ है, बिपिन चंद्र में लिखा होगा कहीं, लेकिन कहां ढूंढूंगा मैं। चलो लेकिन लिख लो आप, तेजपाल दास संस्कृत कॉलेज। सबसे पहले इसमें 72 प्रतिनिधि जुड़े थे, 72। जो ये मॉडरेट फेज था, उदारवादी नेता जो थे, ये उदारवादी थे ना? हाँ जी, उदारवादी थे ना, ये मॉडरेट है ना, और एक्सट्रीमिस्ट। हाँ ये था ना वो, और एक्सट्रीमिस्ट को क्या बोलेंगे फिर, और रिवोल्यूशनरीज को क्या बोलेंगे फिर? हाँ, तीन दल थे ना, एक उदारवादी, एक गरम दल, है ना? तो नरम एक्सट्रीमिस्ट, गरम रिवॉल्यूशनरी, ठीक है ये। हाँ वो बाद में 18 के बाद। अच्छा जी, तो इन लोगों का एक, हाँ जी क्या, 72 मेंबर्स, इन लोगों का सिर्फ एकमात्र क्या उद्देश्य था शुरुआत में, हम वो देखेंगे आज। आज पूरा मॉडरेट फेज ही पढ़ना है हमें, ये वाला फेज पढ़ेंगे आज हम, पूरा खत्म ही करेंगे इसको, ठीक है? इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये लोग क्या चाहते थे? जितने भी राष्ट्रवादी नेता पूरे देश में, हर हिस्से में, देश के हर, आपको मैंने पिछला फेज जो पढ़ाया तो मैंने बताया ना कि हर हर जगह अलग अलग जगह अलग अलग नेता पनप रहे थे राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की उसमें, ठीक है? तो नेशनलिस्ट पार्टी जितनी थी या फिर एसोसिएशन थी उनके लीडर भी थे। तो इनका प्रमुख उद्देश्य यह था, इन मॉडरेट का, इनका प्रमुख उद्देश्य यह था कि सबको इकट्ठा करें, पूरे देश में जितने भी आपके राष्ट्रवादी नेता हैं, जो जो भी जहां जहां भी हैं, उनको सबको इकट्ठा करें, जाति धर्म प्रांत, प्रांत मतलब रीजन, ठीक है, जाति धर्म और प्रांत से ऊपर उठ के उनके बारे में ना सोचते हुए सबको एक मंच पे लाएं, तब अपनी आवाज बुलंद करें विरोध में। और विरोध भी कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण विरोध। अच्छा सुनो,
तेज तो बहुत थे ये लोग, बहुत तेज थे ऐसी बात नहीं है। अगर ये अशांतिपूर्ण तरीके से, अगर ये अशांतिपूर्ण तरीके से विद्रोह कर लेते, है ना, शुरुआत में कितने थे, 72, 2 साल के अंदर 450 480 करीब हो गए थे, 87 तक, है ना। तो जब तक इनके नंबर नहीं हुए तब तक ये चुपचाप बिल्कुल कान कान में विद्रोह करते रहे। इन्होंने बोला चुपचाप, अंग्रेज ना सुन ले, लाठी आ गई पीछे से तो पड़ेगी। तो इन्होंने तब तक ऐसे विद्रोह किया शांतिपूर्ण तरीके से, इसलिए इनको करना मजबूरी था। इनको मॉडरेट मॉडरेट और उदारवादी नेता तब बोला जाता है। इनमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि इनका खून गर्म नहीं था, गुस्सा तो इन्हें भी आता होगा, है ना, बट करना क्या था, इनको कर तो नहीं सकते ना कुछ। तो इन्होंने क्या किया, शुरुआत में ही अगर ये विद्रोह तेज कर देते और अपनी आवाज बुलंद कर लेते तो इनको शुरुआत में ही दबा दिया जाता ना, इनका संगठन चलता। तो इन्होंने बोला आराम आराम से चलते रहो, कोई तो दिक्कत नहीं है, लोग जुड़ते रहेंगे। बस इनका मेन उद्देश्य ये था कि लोगों को जागरूक करो राष्ट्रवाद के प्रति। ये बहुत बड़ा काम होता है जब अलग अलग धर्मों, अलग अलग रीजनों, अलग अलग जातियों में लोग बटे हों और उनको इकट्ठा करना, है ना। लेकिन जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन्होंने ऐसे किया, है ना, बिपिन चंद्र ने इसका इसका अपोज किया हुआ है, हमारे इन लेखक साहब ने इनका अपोज किया हुआ है। क्यों, इन्होंने बोला भाई अपने कथन में कि अगर ये ऐसा कर लेते, अगर ये विद्रोह तेज कर लेते तो क्या पता लोगों में और ज्यादा जल्दी से राष्ट्रवाद की भावना आ जाती। भाई इनको डर अंग्रेजों का था, लोग जुड़ने, और इनका उद्देश्य क्या था, लोगों को जोड़ना। तो अगर इनका उद्देश्य लोगों को जोड़ना था तो इनको विद्रोह तेज कर देना चाहिए था ना, भले ही सशस्त्र हो रहा था, अगर कुछ भी विद्रोह जैसा भी हो रहा था, ठीक है, इनको वो अगर ये तेज कर लेते, लाइन डंडों में आ जाते तो लोग और जल्दी जुड़ते इनसे, उनकी भावनाएं इनसे और ज्यादा जुड़ती। वो बोलते कि भाई ये लोग हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, लाठियां भांज रहे हैं इनके अंग्रेज, फिर भी ये लगे हुए हमारी आजादी के लिए या जैसे भी हमारे अधिकारों के लिए, ये पिट, तो लोग जल्दी जुड़ते हैं इनसे, ठीक है ना। इन्होंने ये बोला है कि ये इस भ्रम में थे, ये इनकी भ्रामक, ये इस वहम में थे, किस वहम में, कि अगर ज्यादा जल्दी हमने विद्रोह या ये आंदोलन करना शुरू कर दिया तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि ब्रिटिशर्स हमारा विद्रोह बंद कर देंगे और लोग हमसे कुछ जुड़ नहीं पाएंगे इसमें। बट बुक में ऐसा लिखा हुआ है, बिपिन चंद्र ने ऐसा बोला है कि ये वहम में थे, ऐसा हो सकता। मैं ओपिनियन, तभी मैंने क्या बोला, बिपिन चंद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं तभी हर किताब ले गया था और मैंने शुरुआत में जब नहीं आए थे आप, मैंने आपको बताया, सबको बताया कि जहां जहां भी वहम आएगा, जहां जहां भी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होगा, वहां वहां आप इसे फॉलो करोगे, तभी इसको बेस्ट बुक माना जाता है मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है, आप इसको फॉलो करोगे। बिपिन चंद स्पेक्ट्रम भी बिल्कुल सेम ही आता है इसका, ठीक है, ये पूरी किताब है मॉडर्न हिस्ट्री। बाकी एक ये एक पुरानी वाली 12th की हिस्ट्री भी, एनसीईआरटी सफिशियंट है मॉडर्न हिस्ट्री, कहीं और जाना ही, ठीक है। हाँ, सही है, मैं इसे फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कौशल सर ने, दो बजे ने बताया, पॉजिशन ने बताई होगी, जल्दी बता सकते, चलो वो तो अपने ऊपर डिपेंड, मैं आपने बता रहा हूँ, ठीक है, ये किताब अच्छी है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, बाकी क्वेश्चन सीधे सीधे विपिन चंद से आ जाते हैं, ठीक है, अच्छी किताब है, हिंदी में भी है ये, इसमें ना बहुत संक्षिप्त छोटे में दिया हुआ है सब कुछ, बाकी और किताब, वो कितनी मोटी किताब है देखना जरा, और इतनी बड़ी भी, और ये कितनी सी किताब है ना, सब कुछ इसमें भी है। तो इसलिए अच्छा जी, मैंने आपको क्या बताया अभी कि वहम पैदा होगा इसमें, ये कर सकते थे ऐसा, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू देता। अब क्या होगा आगे, एक थ्योरी ऑफ सेफ्टी बॉल पढ़ा, थ्योरी ऑफ सेफ्टी बॉल, ये सेफ्टी बॉल का सिद्धांत,
थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व में क्या कहा गया है? अच्छा, ये जो बता रहा हूं यहां पे है ना, ये भी इसके हिसाब से भ्रामक ही है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा हिस्ट्री में जो भी कुछ आ गया, जिसने कुछ सही बताया गलत बताया, पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। हाँ, उसके ऊपर हम ओपिनियन पुटअप कर सकते हैं अपना कि ये मुझे सही लग रहा है या नहीं लग रहा है ना। तो थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व क्या कहता है हमें, इसमें बोला गया है जो मैंने आपको अभी बताया कि ए ओ ह्यूम के द्वारा जो ये स्थापना की गई कांग्रेस की, ये उस टाइम पे वो कौन थे अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजी तरफ से वो कौन थे इनके, हाँ प्रेशर कुकर वाला पढ़ाया तुमने, कुछ बताया तुम्हें, दूरदर्शन ने पढ़ाई थी है? नहीं पढ़ा। अरे लॉर्ड डफरिन का नाम सुना, लॉर्ड डफरिन वो थे इस टाइम पे। तो लॉर्ड डफ ऐसा बताया गया है, लॉर्ड डफरिन ऐसा बताया गया है कि लॉर्ड डफरिन ने इनको बोला था ये उनका कि भाई तुम एक ऐसी संस्था बनाओ जिसमें अब तुम लोग लगे रहो, जिसके जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं वो सिर्फ वहीं तक रह जाएं उस तक। क्यों ऐसा क्यों बोला था, ऐसा क्यों बोला गया उनके द्वारा, ये बता दो मुझे कि कुछ ऐसा क्यों बोला होगा लॉर्ड डफरिन ने, कुछ डर होगा उनके दिमाग में, कुछ ऐसा क्या डर था? हाँ नहीं, ये संस्थाई लोगों को जोड़ने के लिए बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो वो तो उनका उद्देश्य था ही। लॉर्ड डफरिन को यह डर था कि दोबारा से कहीं ऐसा विद्रोह ना हो जाए 1857 गांधी जैसा, जैसा ये रिवोल्ट हुआ था ऐसा ही दोबारा ना हो जाए, तो इसको थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व बोला गया। सेफ्टी वॉल्व की तरह ये कांग्रेस को लेके आए थे कि जो भी विद्रोह जैसा भी हो ये आपस में ही लगे रहे हैं अभी यहां पे, इसमें सेफ्टी वॉल्व जैसे कि एक वॉल्व ऐसी दे दे कि हमें सब कुछ हमारे अंदर रह के जो भी कुछ हो हमें पहले से पता चल जाए। क्या मतलब, जो भी रणनीतियां इनकी बने, जो भी रणनीतियां तैयार करें ये, उसके बारे में हमें पहले ही पता चल जाए कि क्या इनकी रणनीतियां हैं, आगे क्या करने वाले हैं, हम पहले ही उनके प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स पहले ले लें। अंग्रेज तेज तो थे बड़े, उन्होंने बोला एओ ह्यूम को कि आप एक ऐसी संस्था बनाओ जिसके संस्था के अंडर ये सारे राष्ट्रवादी नेता जितने हैं वो काम करें, काम ऐसे करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा और आप तो हमारे हो ही, तो आप हमें बताते रहना क्या क्या चल रहा है अंदर, तो हमें पहले से ही पता चलता रहेगा कि उनकी क्या क्या नीतियां हैं, तो ऐसा ना हो उससे हमें पता चलता रहेगा, हम पहले से तैयार रहेंगे तो हम विद्रोह ही नहीं होने देंगे फिर, क्योंकि 1857 क्रांति भी तो एक वही था, सिपाही म्यूटिनी जो था वो अंदर अंदर भड़क के एकदम से गुस्सा फूटा था ना लोगों का, वो बस्ट आउट हो गया था, तो वैसा ही विद्रोह नहीं चाह रहे थे वो दोबारा से, एक बार और ऐसा विद्रोह होने के बाद तो फिर तो आजादी मिली जानी थी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक कांग्रेस नामक संस्था का गठन करो एओ ह्यूम को, उन्होंने बोला कि आप नजर रखोगे एक उनपे ठीक है, और आप हमें बताते रहोगे जिससे हम सेफ्टी मेजर्स पहले से लेते रहेंगे। इसको सेफ्टी वॉल्व क्यों बोला गया है कि जितना भी प्रेशर अंदर बनेगा, जो भी प्रेशर बनेगा उसको हम धीरे 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 रिलीज आउट करते रहेंगे, जैसे तो ना कुकर में सीटी ना लगे तो एक सेफ्टी वॉल्व भी होती है, तो वो फटने कुकर फटने से पहले पहले सेफ्टी वॉल्व निकल जाती है ना, जिससे ज्यादा वो ना, तो ये वो सेफ्टी वॉल्व की तरह ही काम कर रहा है ये वाला जो इनका था ठीक है। तो इसको थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत बोला जाता है ठीक है जी। सन में ही बात क्यों कर रहे थे ये सब, लेकिन भ्रामक क्यों बोला गया है, क्योंकि ए ओ ह्यूम को एओ ह्यूम को राष्ट्रवादी नेताओं से प्रेम लगाओ बताया गया है कि बहुत ज्यादा था, किसानों से भी लगाओ बहुत ज्यादा था, तो वो कुछ भी वो भारत के हित में ही करते थे जो करते थे, ऐसा बताया गया है। फिर से मैं आऊंगा
हाँ बिल्कुल ठीक है जी। उनको बुक में एक उच्च चरित्र वाला देशभक्त बोला गया है, ऊंचे चरित्र वाला देशभक्त बोला गया है हमारी बुक में उनको, ठीक है। और यहां का देशभक्त वो ये बोलते थे, उनके विचार ये थे योगी उनके, कि अभी अगर हम भारत में रह रहे हैं और भारत के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ना कि अपलिफ्टमेंट ऑफ इंग्लैंड। क्या बताया मैंने, अगर यहां पे आप लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ यहां के अपलिफ्टमेंट के लिए, यहां के डेवलपमेंट के लिए यूज होना चाहिए, ना कि इंग्लैंड में जाके अपने के लिए, ठीक है जी। तो इनको हम अब विरोध में कैसे ले सकते हैं, जब इनके ऐसे विचार थे, नहीं ले सकते ना। इसलिए मैं बोलता हूँ विपिन चंद्र अच्छी चीज बताते हैं, ठीक है। हाँ जी अच्छा। अब अंग्रेज तो बोल रहे थे, अंग्रेज तो बोल रहे थे कि एओ ह्यूम, हमने एक अपना सार्जेंट छोड़ा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, मतलब अपना आदमी छोड़ा हुआ है वहां पे, जिससे वो हमें वहां की अंदर खाने की सारी इंफॉर्मेशन देता रहेगा। मॉडरेट क्या बोल रहे थे, अब यार एक बात देखो, पहले से ही यहां पे सब कुछ अंग्रेज करते आ रहे हैं, है ना, और अब अगर आने वाले टाइम में हम एक संस्था बना रहे हैं, है ना, वो भी कोई अंग्रेज बना दे आके, तो हमारा फायदा क्या हो गया। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, आप लोगों ने मुझसे कहा कि सर ये तो पहले से चलता आ रहा है था सब कुछ, यहाँ पे भी ए यूम बना लेगा, वहां पे अंग्रेजी को इंटर, यहाँ पे अंग्रेजों, तो फर्क क्या पड़ गया इसमें, ना ही बनाते फिर, तो बात सोचने वाली है ना। ऐसा क्यों, ये भी दिमाग वाले थे बड़े, यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए हमारे, ठीक है, और भी बदरुद्दीन तैयब जी जैसे लोग, और भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है, मैं आपको नाम लिखवाऊंगा उनके सबके। वो लोग क्या मानते थे कि अगर एक अंग्रेज हमारे साथ रहेगा, तो अंग्रेजों के खिलाफ हमारा जो विद्रोह होगा वो सीधे टकराव से नहीं होगा, मतलब हमारा सीधा टकराव अंग्रेजों से नहीं होगा, इसमें माना जाएगा कि संस्था किसकी है, एओ ह्यूम की है, तो अंग्रेजों से अब अंग्रेज ही भिड़ेगा। फिर इनका मानना यह था कि हम सीधे सीधे उनसे दुश्मनी मोल ना लेते हुए घुमा के उन्हीं के बंदे के थ्रू दुश्मनी मोल लेंगे, इनका सोचना है। तो सोच तो इनकी भी सही, क्योंकि अगर सीधे दुश्मनी ले ली तो सारे खिलाफ आएंगे, एकदम से बंद हो ही जाना है फिर, तो फिर तो राष्ट्रवाद की भावना दो डंडों में दब जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चल रहा इस टाइम पर, ठीक है। कुछ नेताओं के नाम लिखवाऊंगा, वो आप लिख लेना, कांग्रेस, एक तो ये वाली चीज लिख लेना, कांग्रेस हर साल दिसंबर में अपना अधिवेशन रखती थी, सीक्रेट सेशन, सीक्रेट सेशन जो होता है ना, सम्मेलन बोल लो, एक ही चीज है। और जो भी दिसंबर में ये जहां पे भी सेशन होंगे, जितने भी सेशन होते थे, ये हमेशा एक नए भाग में होते थे, एक नए प्लेस पे होंगे हमेशा हर साल। क्यों, नए लोग जुड़ेंगे, नए नेता जो पनप रहे होंगे वो भी आएंगे, उनके विचारों से हमें कुछ और सीखने को मिलेगा, तो सबके विचार, ठीक है। मुंबई, अच्छा एक चीज आपने देखा है कि उनका नाम सुना है आपने, पहली महिला वो थी जो ना, हाँ मिल जाना, अरे पहली महिला नहीं थी क्या, वो महिला स्नातक ग्रेजुएट जो, नहीं सुना, गांगुली, कादम्बिनी गांगुली, सुना है नाम, हाँ ये लिख लो इसके बारे में। इन्होंने अध्यक्षता की थी एक कांग्रेस सेशन की, कब, 1890 में कलकत्ता अधिवेशन जो था, 1890 में कलकत्ता अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी,
ये प्रथम महिला स्नातक थी, फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट। इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। एटीन नाइनटी में कैलकटा में। हाँ जी बिल्कुल, बंगाली गैंगुली। फर्स्ट फेज में, पहले फेज में कांग्रेस के कुछ ग्रेट लीडर्स के नाम, जो अध्यक्ष भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो लिख लो कुछ नाम जो मैं आपको अभी बता रहा था, जो ये मॉडरेट फेज में जितवाते हैं, ठीक है। इनके नाम आप लिख लो कुछ। दादा भाई नौरोजी, ऑनलाइन पढ़ रहा है क्या कोई? नहीं पढ़ रहा ना कोई ऑनलाइन? नहीं पढ़ रहा भाई, ऑनलाइन पढ़ रहा है कोई? ठीक है। हाँ जी, दादा भाई नौरोजी लिख लिया। बद्रुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, आनंद चारुलू, ठीक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरती दत्त, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? फॉलो गुरु, गुरु गुरु थे उनके। कुछ और भी लिखना चाहो तो और भी नाम लिख लो इसमें, एक और कुछ और नाम भी लिख लो। मेन थे वो मॉडरेट, और भी नाम लिख लो कुछ और, कुछ और महान लोगों के नाम लिख लो। इसमें लिखोगे आप महादेव गोविंद एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार, मोतीलाल घोष। शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष दोनों भाई थे, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल घोष दोनों भाई भाई थे। हाँ बस, और इतने ज्यादा नाम। हाँ एक वो भी लिखना, दिनशा ई रचा, दिनशा ई वाचा, ये पारसी थे। ठीक है जी। अब जो ये नेशनलिस्ट थे, जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, शुरुआत में इनकी सोच और इम्प्लीमेंटेशन, इसमें आप हिंदी में अगर लिखोगे तो हिंदी में लिखोगे आप राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम, आरंभिक कार्यक्रम लिख लोगे, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलिस्ट इन लीडर्स। मॉडरेट भी लिख सकते हो आप उसमें। शुरुआत में क्या हो रहा था? शुरुआत में जितने भी ये लीडर्स थे, इन्होंने सीधी लड़ाई लड़ना ना काफी समझा, मतलब सीधे सीधे उनका विरोध करना, जो मैं आपको भी बता रहा था वैसा वैसा ही। इन्होंने क्या सोचा शुरुआत में कि अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपने साथ लोगों को जोड़ना है, राष्ट्रवाद की भावना जगानी है लोगों के अंदर। जब जितने लोग हमसे जुड़ जाएंगे, ठीक है, हम
उसके बाद हम विरोध करेंगे। मतलब इन्होंने शुरुआत में तो आपको पता है ना कि 1905-6 में जाके इन्होंने इन्होंने स्वराज मांग लिया था, है ना। लेकिन वो पूर्ण स्वराज नहीं बोल रहे थे ये, इनको पता था कि इतने दिनों से जिसे हमारा खाने की आदत पड़ गई है और वो छोड़ेगा, वो एकदम से छोड़ के जाएगा तो दर्द तो उससे भी होगा, ठीक है, तो एकदम छोड़ के जाएगा, कुछ ना कुछ हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा उसका। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा तभी भी नहीं दिया था, पूर्ण स्वराज का नारा वो पता बाद में आया था, है ना। तो अभी उन्होंने स्वराज्य, स्वराज्य उसका मतलब क्या था कि हम हमें आप प्रशासनिक शक्ति दो, मतलब प्रशासन में हमें हमें आप ऊपर रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, क्राउन अपने पास, आप अपना कंट्रोल रखो, सब कुछ रखो, लेकिन राज करने के लिए, राजनीति करने के लिए तो हमें दो, लीडर तो हमारे जितने हैं उन्हें तो करने दो कुछ। वो स्वराज उन्होंने 1905-6 में मांगा था, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है कि उस वो बोलते हैं सर पहले पूर्ण स्वराज हो गया था वहां, तब क्यों नहीं मिला ऐसे, वो पूर्ण स्वराज नहीं था, ठीक है, इसे स्वराज्य बोलते हैं। तो ये जो ये प्राइमरी फेज था जो मैंने आपको लिखवाया, इस प्राइमरी फेज में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये ही कोशिश इन्होंने पहले की थी, वो बाद में आएगा। 1905-6 में तो इन्होंने ये, जिसमें कि पहले पांच में तो वो बाद में गोखले और पहले आरसी दत्त, ठीक है, दो तो ये आगे थे, और पूछ रहे हो तो बाद में जब गांधी जी आ जाएंगे तब होगी जाके, कभी 42 में जाके, तब जाके 35 से 42 वाले फेज। साम्राज्यवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद बताओ मैं कोई, साम्राज्यवाद हिंदी वाले, साम्राज्यवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद ये होता है कि हम अपने रीजन को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी टेरिटरी बढ़ाते जा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई ठीक है। अभी इन्होंने क्या करा था, मॉडरेट नेस के बाद वाला जो इनका, जो मैंने आपको बताया प्राइमरी फेज तो यही था इनका कि राष्ट्रवादी लोगों को जोड़ रहे थे, राष्ट्रवादी जितनी भावनाएं थी, जितने लीडर्स थे उनको जोड़ रहे थे, है ना। दूसरा फेज क्या था, इन्होंने साम्राज्यवाद थ्योरी जो थी उनकी उसकी, और अर्थशास्त्रीय जितनी थ्योरी थी, मतलब इकोनॉमिक फेज होता, उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। मतलब इन्होंने बोला यहां आके कि भाई जितनी भी नीतियां हैं, मतलब जितनी भी नीतियां अंग्रेज अपना रहे हैं वो सब हमारे नुकसान नहीं है, कुछ भी हमारा फायदा नहीं है। जैसे इन्होंने यहां आके बोलना, चिल्लाना शुरू कर दिया था इन्होंने, ये हमारे लिए नहीं हो रहा, सब कुछ ब्रिटिश लेके जा रहे हैं, हाँ जी काल मार्क्स वाली में जाके आए थे, बोल तो पता नहीं कब से रहे थे, बोलेंगे तो बोलते तो रहेंगे, लेकिन जब एक बोलना होता है, मैं हम आपस में बात कर रहे थे, है ना, फिर मैं जाके जहां कुछ फायदा होगा बोलने का वहां जाके बोलूंगा, जहां से कुछ फायदा होगा मैं वहां जाके बोलूंगा ना, पहले आपस में बात करने से क्या होगा। इस टाइम पे तो ये थ्योरीज इकट्ठा कर रहे थे उस टाइम पे, तो मतलब पहले कि किस चीज से हमें नुकसान हो रहा है, क्या इनकी थ्योरीज हैं, ये आगे ऐसी थ्योरी चलते रही तो हमारा क्या क्या नुकसान होगा और क्या क्या हम कर सकते हैं इनको रोकथाम के लिए, ये सब चल रहा था। अभी आके, अभी इस पीरियड में आके इन्होंने विरोध प्रकट करना धीरे धीरे चालू कर दिया था, मतलब आलोचनाएं होने लगी थी उनके नीचे, ठीक है। इसमें आप तीन चीजें लिख लोगे,
जो कुछ इन्होंने बोला कि ये सब हो रहा है, ये सब जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, तीन चीजें इन्होंने मॉडरेट्स ने ये बोला कि ये नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है। जैसे कि एक, भारत को इन्होंने रॉ मटेरियल, कच्चा माल पैदा करने वाला देश बोल दिया था, कि भारत एक कच्चा माल पैदा करने वाला देश है, रॉ मटेरियल पैदा करने वाला देश है। तो इन्होंने बोला भाई ऐसा नहीं है, हमारे पास पहले तक, आज से पहले तक, जब तक मर्केंटाइल फेज चल रहा था तब तक तो तुम फिनिश गुड लेके जा रहे थे यहां से भाई, पहले सोना चांदी लेके आ रहे थे, फिनिश गुड लेके जा रहे थे, है ना। अब तुम हमें कच्चा माल पैदा करने वाला देश बता रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जितने भी ब्रिटिश उद्योग लगे हुए थे, जितने भी, क्या बता, हाँ बता रहा हूं मैं आपको। सेकंड पॉइंट क्या था, ब्रिटिश फैक्ट्रीज या ब्रिटिश उद्योग जितना भी लगा हुआ था, उनमें जो भी माल पैदा हो रहा था, जो भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी, उसके लिए, उसे बेचने के लिए, ठीक है, भारत को एक मंडी बना दिया गया था, एक उसका बाजार भारत को, और वो भारत को मंडी की तरह यूज कर रहे थे अपना माल बेचने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे थे वो लोग? क्योंकि अब देश कंट्रोल में था उनके, है ना, तो टैक्स फ्री ट्रेड चल रहा था, कोई टैक्स में देना नहीं है, कुछ नहीं है, तो और मार्केट तो सही है हमारी। ठीक है जी, एक इन्होंने किया था फॉरेन करेंसी, मतलब विदेशी पूंजी, विदेशी कैपिटलिज्म, ठीक के निवेश, विदेशी पूंजी के निवेश के क्षेत्र में भारत का रूपांतरण। ये बोल रहे थे कि बाहर का जो भी हम बदलवाएंगे, नहीं बिल्कुल, जैसा हमारा वहां रहती है वैसी वैसी आगे चीजें, आप भेजेंगे, कंट्रोल में चल के थाई, कंट्रोल में चल के सब कुछ थाई, टैक्स इनको देना नहीं पड़ रहा था, तो करेंसी चेंजिंग कोई मतलब नहीं है, बुलिनिज्म खत्म करके फॉरेन करेंसी लगाने लगे थे। पहले तो क्या होता था, पहले तक आ रहे थे मर्केंटाइल फेज में, है ना, सोना चांदी देके जा रहे थे और सामान लेके जा रहे थे, समझ रहे हो। अब बुलियनिज्म भी खत्म हो गया था, अब इन्होंने फॉरेन करेंसी। तो ये तीन चीजें जो मैंने आपको लिखवाई, इन्होंने बोला कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा किया। फिर पुणे में जाके इन्होंने विदेशी वस्त्रों का थोड़ा सा जलाए वलाए भी, होली दहन, होली का दहन किया इन्होंने वस्त्रों का मॉडरेट्स में, ठीक है, पुणे में, नाम वो अभी नहीं आएगा, अभी तो वैसे इनर फेस पे चल रहा है, ठीक है, वो आ गए। अब जब इतना हो गया, इतना विद्रोह हो गया, तो वही मैंने जो ये बोला था कि प्रेशर बनता जा रहा था उनके ऊपर, तो प्रेशर रिलीज करने के लिए जो अब वो करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं कुछ चीजें, कि अब अपने अध्यक्ष भारतीय हैं, भारतीय अपने अध्यक्ष खुद चुन सकते हैं अब से। आप इसमें लिखेंगे, बिल्कुल, लीडर्स, लीडर्स, क्या बता दिया मैडम ने, पहले तो इंटरनेशनल कांग्रेस तो बन रही है, सबसे पहले 72 मेंबर्स थे, फिर मैंने बताया आपको 87 तक आते थे, 480 90 हो गए थे, इतने हो गए थे।
अब क्या हो गया था, इन्होंने अमेरिकी तौर तरीके जान के मॉडरेट्स ने इन्होंने बोल दिया कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं तो कोई कर नहीं, मतलब इफ वी डोंट हैव पावर टू रूल वी विल नॉट गिव यू टैक्स। क्या बोल दिया उन्होंने, प्रतिनिधित्व नहीं तो कोई कर नहीं, हम टैक्स नहीं देंगे, या तो हमें प्रतिनिधित्व दो तब हम टैक्स देंगे या फिर हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, ये वाला चीज लिख लेना। ये 1892 के जो उन्होंने पूरा कानून बनाया था उससे असंतुष्ट होके मॉडरेट्स ने ये नारा दिया था, प्रतिनिधि 1892 का एक कानून बनाया था उन्होंने, उनसे मॉडरेट संतुष्ट नहीं थे, उसके बाद ये नारा दिया था। मैंने ये इसलिए छोड़ा है अभी, है ना, जब मैं अभी आपको एक इकोनॉमिक फेज पढ़ाऊंगा इनका, इकोनॉमिक फेज होगा आपका 65 से लेके और 85 तक, ठीक है, उसमें बताऊंगा मैं आपको ये वाला फेज। दो समझ में आ गए बस, बहुत है। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कोई कर नहीं, इफ यू डोंट हैव पावर टू रूल, विल नॉट गिव यू द टैक्स। अब आएगा आगे स्वशासन, स्वशासन मतलब स्वराज्य, इसी को आप जो बोल रहे थे ये स्वराज्य था 1905-6 में जो आई थी। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, चलो लिख लो इसको, स्वराज्य मतलब, स्वराज्य का मतलब क्या है यहां पे, ये स्वराज्य का मतलब अभी तो बताया मैंने आपको, इस स्वराज्य का मतलब पूर्ण स्वराज नहीं था, इनके ये कहना था कि आप लोग हमें अंदरूनी तौर पे तो रूल करने का मौका दो, अपने लोगों को हमें, हम जिससे जान पाए पहचान पाए तो हमें यहां अंदर खाने को हमें रूल करने दो, ऊपर तो भले ही तुम रह लो, क्राउन रह ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अंदर तो रूल करने दो हमें, ये स्वराज्य था। तो 1905 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में और 1906 में दादा भाई नारोजी कलकत्ता में, इन्होंने स्वराज की मांग उठाई थी। ठीक है जी, हाँ जी, बनारस और कलकत्ता, दादा भाई नारोजी कलकत्ता, बनारस वाराणसी एक ही चीज है, अलग अलग है क्या, ऐसे तो मैं मद्रास बताऊंगा तुमको, चेन्नई में एक ही है मैडम, कलकत्ता कोलकाता ये सब एक, बनारस और वाराणसी, अच्छा अब इसमें एक चीज देखेंगे हम कि जनता की भूमिका क्या रही होगी। ठीक है, 1905 तक जनता इनसे नहीं जुड़ी हुई थी, ये जो आंदोलन था इसकी पैठ जनता में नहीं बैठ पाई थी, जनता इससे अनभिज्ञ मतलब जनता को, हाँ नहीं था, जनता नहीं जुड़ी हुई थी इनसे अभी तक, लीडर जो थे राष्ट्रवादी नेता जो थे वही आपस में घूम रहे थे, जनता इनसे जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, अब
मॉडरेट्स ने सोचा कि जो भी ये कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद और जो उपनिवेशिक शक्तियां जो भारत में हैं, ठीक है, इनके खिलाफ अगर आप लोग लड़ना चाहते हो या फिर इनके शासन से छुटकारा पाना चाहते हो, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, जनता को एक सूत्र में बांधना पड़ेगा, राष्ट्रवाद की भावना जगानी पड़ेगी, अपने साथ जनता को लेना पड़ेगा। जनता अगर आपके साथ होगी तभी आप लोग इनके खिलाफ लड़ सकते हो। तो इन्होंने सबसे पहले यही काम किया 1905 तक। कि हम जनता को ज्यादा से ज्यादा जोड़े, ठीक है, अपने खिलाफ। अच्छा, ये वाला पार्ट हो गया आपका। अब एक चीज और है कि इतना सब कुछ चल रहा था, सरकार भी तो कुछ कर रही होगी नहीं खिलाफ भाई, ब्रिटिश सरकार भी तो कुछ ना कुछ करेगी नहीं खिलाफ, नहीं तो फिर ऐसे तो ऐसे हो जाएगा कि ये लोग तो बहुत जल्दी स्वराज ले लेते अगर कुछ ना करती तो, है ना। लेकिन हो क्या रहा था, अभी तक मैंने आपको बताया कि ये जो मॉडरेट फेज था ये बहुत स्लो फेज है, बहुत स्लो फेज था, धीरे धीरे सब कुछ वो करना चाह रहे थे, ठीक है। जितना भी ये वाला जो फेज है आपका मॉडरेट फेज, जिसको 1885 से लेकर 1905 तक, 1905 तक का जो फेज है, इसको मॉडरेट फेज जो इतना बोला गया है, ये स्लो फेज इसलिए है, एक तो सरकार जो भी ये कर रहे थे ध्यान नहीं दे रही थी, वो लोग बहुत इस शंका में थे, ब्रिटिश सरकार इस शंका में थी कि इनसे कुछ हो नहीं पाएगा। पहली बात तो मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि राष्ट्रवाद की भावना एक ऐसे देश में जगाना बहुत मुश्किल काम था, जो उन्हें लग रहा था कि मॉडरेट नहीं कर पाएंगे, पहली बात है ना। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे जितने भी ये लीडर्स थे अलग अलग देश, बस देश कह रहा हूं, अलग अलग भाग में जाके देश के, है ना, वहां वहां पे अधिवेशन कर रहे थे, सेशन कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि जैसे यहाँ के राष्ट्रवादी नेता हो गए बंगाल के, वो उनके भाषा अलग, सब कुछ अलग, है ना, तो जैसे ही वो लोग इकट्ठा करके यहाँ लाएंगे तो दोनों में हितों में टकराव हो जाएगा, दोनों की मांगे अलग अलग हो जाएंगी। वो अगर ऐसा भी हुआ कि अगर किसी ने पूर्ण स्वराज ही मान लिया तो लीडर किसको बनाएंगे अपना, वो बोलेंगे हमारे प्रांत वाले को लीडर बनाओ, ये बोलेंगे हमारे प्रांत वालों को लीडर बनाओ, तो राष्ट्रवाद की भावना तो पनप ही नहीं सकती इनमें, जानवर तो हमें मानते ही थे वो, है ना। तो उन्होंने बोला कि इनसे कुछ नहीं होता, तो वो बहुत शंकालु थे इसमें कि वो कुछ कर पाएंगे राष्ट्रवाद, ये मॉडरेट फेज वाले नेता, ठीक है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने सोचा चलो कर तो एक कुछ सकते ही नहीं है, लेकिन इनको डिमोडलाइज करना शुरू कर देते हैं, है ना। हाँ जी, गवर्नमेंट ने उन्होंने सोचा कि अब जितने भी मॉडरेट लीडर हैं इनको डिमोडलाइज करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ बोल के आया कुछ, है ना। तो जैसे ही लॉर्ड डफरिन थे उस टाइम पे, ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम को क्या बोला कि आप लोग इनको ये बोलो कि राजनीतिक मामलों में ना पड़ के सामाजिक सुधार पे ध्यान दें। मैंने आपको अभी क्या बताया स्वराज का मतलब, हमको पूरा पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आप इतना दे दो कि हम अपने लोगों को अच्छी व्यवस्थाएं दे सके, ठीक है, सिर्फ हमें लोगों का एक कंट्रोल दे दो, बाकी ऊपर हमारे ऊपर कंट्रोल आप ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा बोलोगे वैसा, है ना। जैसे और जगह भी चल रहा था, जापान में चल रहा था, बर्मा में क्या और था इस टाइम पे, वो मैं आपको अभी क्लास में बताऊंगा, बर्मा भी चल रहा था, ठीक है। तो ये सब चीजें जो और थी, तो इन्होंने एओ ह्यूम को क्या बोला, लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम को बोला कि आप अपने राष्ट्रवादी नेताओं को या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने नेता हैं आपके, इनको ये बोलो कि आप लोग इस चीज का राजनीतिकरण ना करते हुए सामाजिक व्यवस्थाओं पे ध्यान दो, सामाजिक सुधार लाओ, ठीक है। तो वो सामाजिक सुधार पे बात कर रहे थे ना कि, तो इससे वो इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा आप ये बताओ मुझे, क्यों बोला उन्होंने ऐसा,
अरे नहीं, बिल्कुल, अगर वो राजनीति उससे दूर हो गए तो वो लीडरशिप में नहीं आ पाएंगे, लीडरशिप में नहीं आ पाएंगे तो वो ऐसे से सेशन करके, और सामाजिक में तो क्या, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बोला और खाना कैसा मिल रहा है, बढ़िया। और आज के टाइम पे अगर मैं जाऊंगा तो मैं क्या, सरकार क्या करती है, सरकार क्या कर रही है तुम्हारे पास अभी, क्या कर रही है सरकार, सरकार कह रही है मंदिर मस्जिद, अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बना दिए, हाँ तो पूजा करो, है ना, ये सब मैं लगा के आपको। और इधर रोड, इकोनॉमी, ये सब जितने धरातल पे मुद्दे होते हैं उनसे भटका के आपको इधर इधर चला देगी, वही वो करना चाहते हैं, अभी भी वो चल रहा है, ठीक है। तो ये सब मुद्दे थे उनके, तो अगर राजनीतिकरण हो जाता तो इनको जल्दी छोड़ना पड़ जाता ना फिर, ठीक है। इनको एक इसमें शब्द दिए गए हैं बुक में, जो कि मॉडरेट्स को उन्होंने बोला, एक चीज लिख लो आप इसमें, कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना बोला गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, राजद्रोह का कारखाना। जितने राजद्रोह का कारखाना, जितने भी इसमें अभी तक लीडर्स थे आईएनसी में, सब लोग सवर्ण जाति, ब्राह्मण, वकील, राजपूत, ना, तो सब लोग सवर्णी थे इसमें। तो इसमें एक लोग उन्होंने, और ब्रिटिशर्स ने क्या क्या बोला इनके बारे में, एक तो इन्होंने राजद्रोह का कारखाना, है ना, एक इसमें बोला इन्होंने राजद्रोही ब्राह्मण और हिंसक खलनायक, ये सब इनको बोला गया। ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये ब्रिटिश सरकार का रवैया था आईएनसी के मॉडरेट के लिए, जो भी रवैया था इनका, ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग एक और चीज लिखो, 1897 में, सॉरी 1887 में, 97 97 में तो थे ही नहीं हो, 1887 में लॉर्ड डफरिन ने, जनता के, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेना, जनता के एक बहुत सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब छोटा, बहुत छोटे, जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म भाग का लीडर बता के, मतलब एक बहुत छोटे से भाग की लीडरशिप बता के, मतलब उनको बहुत छोटे सा एक जो तबका था लोगों का वो फॉलो कर रहा था, ये बता के हंसी उड़ाई एक अधिवेशन में 1887 में, किसने, लॉर्ड डफरिन ने। तो मैंने आपको ये चीज से बताई कि कभी कभार वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये विपिन चंद्र में भी है, तो मैं विपिन चंद्र को कुछ छोड़ता नहीं, ठीक है। लीडर बता दो या प्रतिनिधि, बहुत छोटे भाग का प्रतिनिधि, हंसी उड़ाई, तो हंसी हंसी उड़ा दो, तो वो डिमोटिवेट ही करना था उनका मतलब, मैंने आपको बताया ना सरकार का रवैया डिमोटिवेशन वाला चल रहा था, डिमोटिवेट करना चाह रहे थे, तो वो डिमोटिवेट ऐसे ही करते थे कि अधिवेशन में जाते थे, या फिर अपने किसी को, आप जो भी जहां पे भी वो भाषण देंगे, कुछ देंगे, है ना, कुछ ना कुछ करके हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, तो नीचा दिखाएंगे तो मॉडरेट को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अभी आपको मैंने ये पूरा फेज, आपको जो मॉडरेट फेज बताया, ठीक है, इसमें से एक चीज आपको बहुत, जो मैंने मेन मेन पॉइंट आपको बताए, जैसे कि एक सरकार का रवैया, ठीक है, एक आपका जितना भी अधिवेशन कौन कौन से कहां कहां कैसे कैसे हुए, ठीक है, पहला ए ओ ह्यूम, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्स, ये सब जो बताया मैंने आपको, ठीक है,
इसको ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जब इन्हें पता चल गया था कि अभी राष्ट्रवाद की तो भावना आने लगी है इनके अंदर, ठीक है, इन्होंने ही मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी 1906 में। किसके द्वारा की गई थी, कौन थे? ना ना ना, यही तो बस मैं यही सुनना चाह रहा हूँ तुम्हारे मुंह से मोहम्मद अली जिन्ना। अब जिसने भी पढ़ाया है या फिर तुमने पढ़ाया है, जो भी, आगा खान कहाँ से? मोहम्मद अली जिन्ना तो बहुत बाद में आएंगे, वो तो 12 में आएंगे जाके, 12 में, सॉरी 8 में, 9 में, 6 में। मैं पढ़ाऊंगा, अब आगे पढ़ाऊंगा, इसे तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ वो सब है बाद में। देखो अगर तुमने जो मुझे अभी बताया, मुझे पता है तुम मोहम्मद अली जिन्ना ही बताओगे, मुझे पहले से बता दो। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नाम जैसे ही आएगा मोहम्मद अली जिन्ना, और सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, छोटे एग्जाम में आता है, तो यूपीएससी में तो खैर ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है ना, तो सबसे पहला नाम वही लगेगा, और सबसे पहले तुम लगा के और सबसे पहले खुश होते हुए आओगे कि एक तो सही हो गया। ठीक है, तो आगा खां का नाम है, उन्हें भी याद कर लो। अच्छा, हाँ 1905 में जो बंगाल विभाजन, अब हम 1905 पढ़ेंगे कल, 1905 पूरा एक क्लास है जिसमें बंगाल विभाजन पढ़ाएंगे, बंगाल विभाजन कैसे हुआ है ना, कौन कौन थे लीडर, कहाँ से, कौन से अधिवेशन में हुआ, बंगाल विभाजन होने से क्या अब चेंजेस आएंगे, बंगाल विभाजन होने से अब जो ये मॉडरेट्स हैं ये इनसे कमान छीन के अब एक्सट्रीमिस्ट आ जाएंगे, नरम दल आ जाएगा, ठीक है जी, वो लोग आ जाए। उन्होंने बोला भाई तुमसे कुछ नहीं हो रहा, तुम अंदर खाने कुछ कुछ कर रहे हो, इन पे सरकार को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, ये ऐसे ही कर रहे हैं, इन्होंने हमारा इतना तो, ये देखो मुस्लिम को ये वाला पार्ट ईस्ट बंगाल दे दिया था, वेस्ट बंगाल हमारे पास रह गया था, ईस्ट बंगाल बाद में जाके फिर पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से फिर टक्कर मट गया, फिर बांग्लादेश, ठीक है जी, यही तो चल रहा है, या कुछ गलत बता दिया मैंने? हाँ, उनमें से बटते हैं जो ये नाम मैंने आपको लिखवाए हैं, इनमें से कल आधे करवा दूंगा, वो आपके उसमें हो जाएंगे, आगे आगे रिवॉल्यूशनरी जो आएंगे वो अलग आएंगे, कुछ नामों से जुड़ जाएंगे, करेगा ही यहीं से ही, इनमें से भी लीडरशिप आएगी वहां पे भी, ठीक है, ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना।